रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने वंदे भारत को लेकर काफी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका लंबे समय से हम सभी को इंतजार था और वह घड़ी सामने आ भी गई है। जहां ऐसी खबर है कि भारत के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशी सड़कों पर भी धमाल मचाने वाली है, लेकिन अब ये सपना सच होता नजर भी आ रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि रेलवे जल्दी भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्यात करेगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, जहां कई देशों ने इसमें रुचि भी दिखाई है। जी हां, रेल मंत्रालय 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेन का निर्यात शुरू करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है और अब भारत वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन काफी तेजी से करने के लिए भी काम कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और राष्ट्र को समर्पित किया। 500 रेलवे स्टेशनों और 1500 अन्य स्थानों में लाखों लोग विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और अब आज का ये कार्यक्रम है आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे को अपने प्रमुख वंदे भारत इंजनों के निर्यात पर विचार करने के लिए ऑफर मिल रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्टेट चिली ने वंदे भारत को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। ऐसी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को टारगेट में रखते हुए डिजाइन में संशोधन करने से पहले प्राथमिकता घरेलू बाजार को पूरा करना है, यानी कि सबसे पहले भारत अपने भारत में ही वंदे भारत की डिमांड को पूरा करेगा, इसके बाद ही आने वाले दिनों में इसे विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। विनिर्माण सुविधा की उपलब्धता भी एक कारक है जिस पर विचार किया जा रहा है। अभी चिली ने वंदे भारत के डिजाइन में कुछ रुचि व्यक्त की है। स्वदेशी डिजाइन में अंतर्राष्ट्रीय रुचि देखना काफी अच्छा है। भारत प्रमुख वंदे भारत इंजनों को एक प्रमुख निर्यात पेशकश के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। विशेष रूप से यहाँ इलेक्ट्रिक इंजनों की मांग है और धीरे धीरे यह डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत समय से पहले ही इस पे खरा उतरेगा। बता दी कि 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की लागत लगभग 130 करोड़ रुपए है। तो यही कुछ थी दोस्तों हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिल्कुल नई अपडेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत की इस बड़ी उपलब्धि को लेकर, नीचे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते हुए वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।